एडमिरल मेमोरियल हॉस्पिटल यानी KEM हॉस्पिटल की नर्स अरुणा शानवा की मौत इसी महीने उसी हॉस्पिटल में हो गई। 42 साल से वह कोमा में थी और लगातार तड़प रही थी। ठीक 42 इसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। बताया जा रहा है उनके ऊपर वहीं हॉस्पिटल के ही काम करने वाले सोनलाल ने उनके ऊपर हमला किया जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। ये हैं सोनलाल जो आपके सामने बैठे हुए हैं, यही जिन्होंने ये हरकत की थी, ये अटेम्प्ट किया था जिसके बाद सोनलाल को 7 साल की सजा हुई। उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ घटा था उस समय। सोनलाल जी क्या हुआ था उस समय? सब मेरे को मतलब जो है कुछ वैसे नजरों से देखती थी और साहब मतलब जो चिढ़ाती थी और साहब मतलब जो बदतमीजी स्पेशल चीज और साहब मैं मार दिया था वो जमीन पे गिर गई पड़ी और साहब गिरने के बावजूद फिर जो मैं वहाँ से घबरा गया। घबराने के बाद फिर मैं सवेरे टेम्पेचर ऑफिसर को ये कहने लगा कि मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरी सास बीमार है या कुछ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ से मेरे को पकड़ के मतलब जो थाने में बंद कर दिए साथ। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने आप? पुणे से। This is a demonstration of flip for man. तो साहब वहाँ फिर जो है मेरे ऊपर केस लागू कर दिया और साहब किन किन धाराओं के तहत आपके ऊपर केस लागू हुआ था? सब 307 और 302। हाँ सर। तो कितनी साल की सजा आपको हुई थी? सर 14 साल की हुई थी, मतलब जो 14 साल कंप्लीट होकर के 7 साल। अच्छा एक बात बताइए, आपने उनके बलात्कार की कोशिश की, ये आरोपी आपके ऊपर लगा इसलिए आपको सजा की, इसमें कितनी सच्चाई थी? नहीं सर ये दहेज सर, ये तो सब डॉक्टरों की मतलब जो डॉक्टरों ने मतलब जो क्लियर लिख दिया था कि मतलब जो कुछ है। जिस समय ये घटना घटी क्या आप शादीशुदा थे? हाँ सर शादीशुदा था। बच्चे भी थे आपके? हाँ सर एक लड़की थी मेरी, एक लड़की। This is a demonstration of flip for man. एक लड़की होकर के मर गई। हाँ तो आपकी पत्नी वहीं रहती थी जिस समय ये घटना घटी, वहीं मुंबई में रहती थी? मेरे साथ ही रहती थी सर, मुंबई में रहती। हाँ जी, और मैं अपनी घरवाली को ही लेकर के वहाँ ना गया। सजा काटने के बाद 7 साल सजा काटने के बाद आप सीधा कहाँ आए? सर मैं अपने गांव आया था ताजुपुर। This is a demonstration. आप 7 साल सजा काट के आए? हाँ जी, भाइयों को सबको पता था। तो इन बिटवीन में इस बीच आपने अपने बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी? नहीं सर मेरे से तो बताया नहीं गया, लेकिन बाकी भाई लोग मेरे सब चाचा था वो सब ये मेरे पिताजी भी मतलब जो डांटते थे और वो सब कहते थे कि This is a demonstration of flip for man. और सब जब उन्होंने बताया बच्चों कभी पछतावा होता है, अकेले में बैठ के रोते हैं कि क्या किया? हाँ सब पछतावा ये होता है कि साहब मेरे हाथ से क्या हो और साहब मैं तो छुट्टी भी मेरा घर भी बर्बाद हो गया और साहब नहीं मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे पाऊँगा, मेरे बच्चे भी परेशान, मैं भी मतलब जो मजदूरी करते करते जानने की जिंदगी बर्बाद जियो, बच्चों की भी गरीब। जेल में रहते हुए या जेल से बाहर आने के बाद कभी आपने अपनी घरवाली को बताया या उसके साथ बैठ के डिस्कस किया, आपने बातचीत की कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है? वो तो मतलब जो धमकाती थी और बहुत ही गुस्सा तेज होती थी लाल और सब, मैं भी मेरे से भी मैं भी उनकी गलती का एहसास करता और बताता कि वही मेरे हाथ से चाटा तो लग गया और वो हंस पे गिर पड़े।
आप कह रहे हैं खाली चाटा लग गया, आपके ऊपर आरोप ये भी लगा कि आपने जो कुत्ते के डालकर आपने उसके साथ वगैरह उसको खींचा, तो जिसकी वजह से उसकी वो कोमा में गई, उसको चोट लगी। नहीं सब ये तो बात कर रहे थे सर, कुत्ते में कुत्ते के गले में जो चेन वो कभी आपने उनके गले में डाली? नहीं सर, नहीं ये तो बात छोड़। तो अब जो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस तैयारी कर रही है दोबारा से ओपन केस करने की, तो क्या करेंगे आप अगर ये, क्योंकि अब वो अरुणा शानबाग मर चुकी है, तो दोबारा से मुंबई पुलिस आपके ऊपर केस करना चाह रही है, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे? मैं तो अपने किए गए के साथ अगर बर्बाद हो गया साथ और मजदूरी कर रहे हैं सब। दिस इज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ लुक फॉर बैक। परेशानी यही है वो सोनलाल जिन्होंने अरुणा शानबाग के साथ वो बदतमीजी की, जिसकी वजह से अरुणा शानबाग 42 साल तक हॉस्पिटल में ही एड़ियां रगड़ती रही। उसने यहाँ तक की इच्छा मृत्यु की भी मांग की, लेकिन उसे इच्छा मृत्यु भी नहीं मिली। उसके बाद कुछ दिन पहले यानी इसी महीने में कुछ दिन पहले अरुणा शर्मा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सोनलाल आप जरूर पछता रहे हैं, उन्हें पछतावा है, लेकिन जिस समय ये घटना घटी उस समय इनके सर पर क्या खून सवार था, इस चीज को ये आज भी पछता रहे हैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनय सिंह, न्यूज 24 दिल्ली।